जंतर मंतर पर जारी खिलाड़ियों का प्रदर्शन अब कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लास लगा दी है, साथ ही FIR दर्ज करने का दिल्ली पुलिस ने भी ऐलान कर दिया है और संभवतः कुछ ही देर में FIR दर्ज हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह, जो इतने दिनों से लगातार डटे हुए थे, उन्होंने आज तक जैसे चैनल से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर खिलाड़ी उनके इस्तीफे से मान जाएंगे तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह भी अब धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे पहलवान अपने लक्ष्य की ओर कामयाब होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पहला महिला पहलवानों की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर मुख्य न्यायाधीश DY चंचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा के बेंच ने मामले को सुना। केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बता दिया कि दिल्ली पुलिस शीर्ष महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामलों के आरोपों का संज्ञान लेकर ब्रजभूषण सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए तैयार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने FIR दर्ज करने का फैसला कर लिया है, हमने इसे दर्ज करके आज ही बता दिया जाएगा। आपको बता दें, इसी साल जनवरी के महीने में पहलवानों ने उस वक्त देश को चौंका दिया था जब जंतर मंतर पर आकर धरने पर बैठ गए थे। इससे पहले आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया था और अब एक बार फिर से वो इसी पर लगे हुए हैं। बीच में हालांकि सरकार ने एक समिति का गठन किया था और कार्रवाई का आश्वासन दिया था, पहलवान तब शांत हो गए थे, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद जब ये पता चला कि रिपोर्ट में सीधे तौर पर खिलाड़ियों को ही टारगेट किया गया है और ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने की तैयारी कर ली गई, तो एक बार फिर से पहलवान प्रदर्शन में आ गए और अब एक बार फिर से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा है कि ब्रजभूषण सिंह को सभी पदों से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि अब वो जांच से संतुष्ट हैं। देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है तो हम सबको एक साथ आना चाहिए। विनेश ने यह भी कहा कि अगर वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने रहे और पद का दुरुपयोग करने की भी पूरी संभावनाएं हो सकती हैं। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत जेल भेज देना चाहिए। आपको बता दें, पहलवानों ने यह भी कहा कि अगर स्पोर्ट्स को बचाने के लिए हमारे साथ आज देश नहीं आएगा और FIR दर्ज नहीं होगी तो एक दिन खेल बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे लोगों के चुंगल से खेल को बचाना ही होगा। साथ ही पहलवानों ने साफ कर दिया है कि किसी कमेटी पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाते उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं साक्षी मलिक ने भी कहा है कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। पहलवानों ने खेल मंत्री पर आरोप लगाते हुए अनुराग ठाकुर पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को उन्होंने फोन किया था लेकिन उनका फोन उठा नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर BJP की ऐसी क्या मजबूरी है कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो लोग ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक रसूख को जानते हैं वो जानते हैं कि इसके पीछे तमाम मजबूरियां हो सकती हैं। ब्रजभूषण सिंह का नाम राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ है और बाबरी विध्वंस मामले में वो अडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत 40 आरोपियों में से एक। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज हो रही, उसके बाद अब ब्रजभूषण शरण सिंह के तेवर ढीले हो रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है अगर उनका इस्तीफे से उनके पहलवान मान जाते हैं तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।